हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासरूम। आज हम अपनी नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहले इसमें क्या है, फेज स्पेस, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज फेज स्पेस। तो सबसे पहले हम एक सिस्टम कंसाइडर करेंगे जिसमें n पार्टिकल हैं वॉल्यूम V में। इफ़ द सिस्टम इज स्टेटिक, हमारा सिस्टम क्या है, अगर स्टेटिक है देन ऑल द पार्टिकल आर फिक्स्ड, यानी सभी पार्टिकल हमारे फिक्स होंगे वॉल्यूम V में। द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल कैन बी डिटरमाइंड, हम पार्टिकल्स की लोकेशन आसानी से बता सकते हैं क्योंकि वो फिक्स है। सिंस एन पार्टिकल्स नॉलेज, अगर हमारे पास एन पार्टिकल है और एक पार्टिकल हमारे लिए थ्री कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स वाई जेड, तो एन पार्टिकल के लिए कितने हो गए, थ्री एन। तो ऐसे हम बता रहे हैं द थ्री डायमेंशन स्पेस हमारी थ्री डी स्पेस है, इन विच लोकेशन एंड पोजिशन ऑफ द पार्टिकल इज कम्प्लीटली डिटरमाइंड, यानी हम पार्टिकल की लोकेशन या पोजीशन बताएंगे बाय द थ्री पोजीशन कोऑर्डिनेट। तीन पोजीशन कोऑर्डिनेट से हम पार्टिकल की पोजीशन बताएंगे, तो वो हमारा क्या हो गया, पोजीशन स्पेस। मेन प्रॉब्लम हमारी किस में आती है, डायनेमिक में, क्योंकि हमारे जो सिस्टम है अगर डायनेमिक है, पार्टिकल हमारे मूव कर रहे हैं या कोलाइड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो वहाँ पर उनकी वेलोसिटी भी होगी, कुछ मोमेंटम भी होगा, इसलिए वहाँ पे हम दोनों चीज़ देखेंगे, पोजीशन भी और उनका मोमेंटम भी। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, इन एडिशन टू द थ्री कोऑर्डिनेट, यानी हमारे थ्री कोऑर्डिनेट पोजीशन के तो होंगे ही, लेकिन उसके साथ हमारे मोमेंटम के भी कंपोनेंट आ जाएंगे, पी एक्स पी वाई पी जेड कोरस्पोंडिंग टू देयर वेलोसिटी, वेलोसिटी के अकॉर्डिंग, जैसे वी एक्स वी वाई वी जेड है ना। तो हमारा मोमेंटम क्या होता है, पी इज इक्वल टू एम वी, तो हमारे पी एक्स एम वी एक्स पी वाई एम वी वाई पी जेड एम वी जेड। देखो अब यहाँ पे देखते हैं, मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज कम्प्लीटली डिटरमाइंड बाय द थ्री मोमेंटम कोऑर्डिनेट, यानी हम पार्टिकल के मोमेंटम बता रहे हैं तीन मोमेंटम कोऑर्डिनेट से, यानी एक पार्टिकल का मोमेंटम बताना है तो हम एक्स एक्स के अकॉर्डिंग देखेंगे, वाई के अकॉर्डिंग और जेड के अकॉर्डिंग, तो हमें उसका मोमेंटम पता लग जाएगा, पी एक्स पी वाई पी जेड से हम उसका मोमेंटम बताएंगे, तो वो हमारा क्या आ गया, मोमेंटम स्पेस। द कम्बिनेशन ऑफ द पोजिशन स्पेस एंड मोमेंटम स्पेस इज नोन एज फेज स्पेस, अगर हम इन दोनों को मिला के उनकी उसकी पोजिशन बताएं पार्टिकल्स की, तो वो हमारा क्या हो गया, फेज स्पेस। ये छः होते हैं है ना, एक तो पोजिशन वाली और मोमेंटम वाली, ये किस में होती है, डायनेमिक सिस्टम में। अब हमारा देखो, फेस स्पेस वॉल्यूम अवेलेबल टू द सिस्टम, सिस्टम के लिए जो हमारा फेस स्पेस वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड है, इसका वॉल्यूम तो हम सिंपली बता सकते हैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करके है ना, और मोमेंटम का हम निकालेंगे इन तीनों को मल्टीप्लाई करके, पी एक्स पी वाई पी जेड को, तो उसका हम किस से डिनोट कर रहे हैं, गामा से। अगर हमने प्रोडक्ट ऑफ द टू वॉल्यूम, यानी दो वॉल्यूम का प्रोडक्ट करेंगे, वॉल्यूम इन पोजीशन स्पेस, यानी पोजीशन स्पेस के वॉल्यूम को और मोमेंटम स्पेस के वॉल्यूम को अगर हम प्रोडक्ट कर देंगे, तो हमारा क्या आ गया, वॉल्यूम इन फेस स्पेस, उसको हम टाउ से डिनोट करेंगे। तब देखते हैं साइज ऑफ द फेस स्पेस सेल, उसका साइज क्या होगा फेस स्पेस सेल का। सबसे पहले हमने वॉल्यूम मान लिया टाउ फेस स्पेस का, ठीक है, तो हमें क्या बताना है, उसका साइज बताना है। वॉल्यूम तो हमें पता है, टाउ इज डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्री सेल ऑफ द इक्वल वॉल्यूम, अब हमने इक्वल इक्वल वॉल्यूम में उन सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ईच सच सेल इन अ फेस स्पेस रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ अवेलेबल वॉल्यूम इन फेस स्पेस। लेट अस कंसीडर द एलिमेंट्री सेल हैविंग कोऑर्डिनेट, हमने मान लिया कि एलिमेंट्री सेल हैं जो उसके कोऑर्डिनेट क्या किस में लाई करते हैं, हमारे x से x प्लस डी एक्स के बीच, ठीक है, y से y प्लस डी वाई और z से z प्लस डी जेड, इसके बीच में हमारे एलिमेंट्री सेल जो है, जो हमने डिवाइड किया स्मॉल स्मॉल उसमें पार्ट्स में, तो हम उसको बता रहे हैं। तो मोमेंटम कोऑर्डिनेट क्या होंगे हमारे, पी एक्स से पी एक्स प्लस डी पी एक्स, इसमें भी चेंज होएगा हमारा, तो ये हो गया। अब हम बता रहे हैं वॉल्यूम पोजिशन स्पेस का क्या होगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हमारे जो कोऑर्डिनेट आ रहे थे डी एक्स डी वाई डी जेड, क्योंकि ये इन्हीं में चेंज हुआ था, तो डी एक्स डी वाई डी जेड डी वी आ गया, ये हमारा पोजीशन स्पेस का वॉल्यूम। ऐसे ही हम मोमेंटम का बताएंगे
तो वो क्या आएगा, डी टाओ, है ना। हमने टाओ से बताना है मोमेंटम का, हमने देखा अभी। तो डी पी एक्स, डी पी वाई, डी पी जेड। अगर हमने फेस स्पेस का बताना हो तो हम इन दोनों की प्रोडक्ट कर देंगे, तो हमारा वो आ गया फेस स्पेस का वॉल्यूम। ये तो जनरली है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि हमारा देखो पोजीशन स्पेस का वॉल्यूम ये है और मोमेंटम स्पेस का वॉल्यूम ये है, द नंबर ऑफ पार्टिकल वर्सेस टेलिन फेस स्पेस, बस यही बताया। और डी टाओ क्या हो गया, क्या आ गया हमारा डी एक्स डी वाई डी जेड, डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड। यहाँ पे इसने जो एच नोट बताया है वो क्या बताया, लेंथ इंटू मोमेंटम। यहाँ पे ये लेंथ होगी, ये इसका मोमेंटम हो गया, तो एक एच नोट ये आ गया, एक एच नोट ये आ गया और एक एच नोट इन दोनों को मिला के आ गया, यानी तीन एच नोट आ गए हमारे, तो वो एच नोट क्यूब हो गया। तो इसने वही बताया, इसकी वो बता दी हमें कि हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसकी यूनिट बता दी, ये देख लेना आप। क्लासिकल मैकेनिक्स में हम देखते हैं कि क्लासिकल फिजिक्स में द पोजिशन एंड द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल कैन बी कंसाइडर, पोजिशन एंड द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल कैन बी कंसाइडर टू द एनी डिजायर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, पार्टिकल कैन बी रिप्रेजेंट बाय ज्योमेट्रिकल पॉइंट इन फेस स्पेस। ये कुछ नहीं है यहाँ पे, बस ये बता रखा है कि क्लासिकल मैकेनिक्स में जो हमारा एच नोट क्यूब होएगा, ये हम ये बहुत ही स्मॉल होता है, तो इसको हम क्लासिकल मैकेनिक्स में नियरली ज़ीरो मान लेते हैं, लेकिन डायनेमिक सिस्टम में यानी क्वांटम फिजिक्स में हम इसको वो मानते हैं, क्वांटम फिजिक्स में हम इसको ज़ीरो नहीं मानते, लेकिन इसकी कुछ वैल्यू होती है। देखो द वैल्यू ऑफ एच नोट इन क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स में एच नोट की वैल्यू हम अभी हम बताएंगे, क्लासिकल में ज़ीरो और क्वांटम में ही होती है। देखो हमें हमने पढ़ रखा है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वो क्या होता है, पोजिशन इंटू मोमेंटम इज़ ग्रेटर देन द एच, एच हमारा क्या होता है, प्लैंक कॉन्स्टेंट, है ना, उसकी वैल्यू हमें पता होती है 6.625 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -34, ये नहीं होता है ना, ये होती है हमारी एच की वैल्यू। सिमिलरली हम वाई के लिए बता सकते हैं, जेड के लिए, तो हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये हमारा क्या आ गया, डी टाओ आ गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो एच क्यूब आ गया, तो ये ग्रेटर देन आ गया एच क्यूब। यहाँ पे देखो ये क्या बताता है कि ये वॉल्यूम जो है या तो एच क्यूब से बड़ा होगा या इसके इक्वल होएगा, तो यानी इसकी वैल्यू मिनिमम एच क्यूब हो सकती है ना, या तो एच क्यूब से ज़्यादा होगी या एच क्यूब के इक्वल होएगी, यानी इक्वल वाला क्या हो गया, उसका मिनिमम हो गया, है ना। तो यहाँ पे क्या कहा है इसने, जो हमारा मिनिमम पॉसिबल वॉल्यूम ऑफ द सेल आएगी वो क्या आएगी, एच क्यूब आएगी। एच इज सिंस एच इज़ वेरी स्मॉल, हमें पता है एच बहुत ही स्मॉल है, अगर एच क्यूब कर देंगे, देखो एच हमारा पहले ही बहुत स्मॉल है 10^-34, अगर हम उसका क्यूब कर देंगे तो ये तो बहुत ही छोटा होगा 10^-10, लेकिन इसके हम कुछ वैल्यू लेके चलेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में, क्लासिकल में हम इसको ज़ीरो ले लेते हैं। तो अब हमारा क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ द सेल इन फेस स्पेस, जो हमारे सेल्स होंगे एक फेस स्पेस में वो कितने कैसे होंगे, ये आपको लर्न करना पड़ेगा फॉर्मूला। टोटल वॉल्यूम ऑफ द फेस स्पेस, यानी जो हमारा वॉल्यूम है पूरे फेस स्पेस का बाय में वॉल्यूम ऑफ वन सेल, तो हम क्या बता देंगे, टोटल नंबर ऑफ द सेल, है ना, ये हम मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होंगे उनको तो पता होगा, ठीक है। तो ये हमें पता है टोटल वॉल्यूम ऑफ द इन फेस स्पेस, ये अभी हमने निकाला है डी टाओ, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे हम 3 times, क्योंकि ये 6 बार आएगा यहाँ पे, हाँ ठीक है, तो इसको हम 3 times इसके साथ लेंगे, 3 times उसके साथ लेंगे, तो इसने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और वॉल्यूम ऑफ द वन सेल हमने क्या लिया, डी टाओ, यानी स्मॉल वॉल्यूम ऑफ द वन सेल, है ना, थोड़ा सा चेंज हुआ था, हमने पहले पढ़ा है। इसको हम क्या बताएंगे, वी, है ना, क्योंकि ये पोजीशन के अकॉर्डिंग है, ये मोमेंटम के अकॉर्डिंग है, तो टाओ गामा सॉरी, है ना, तो ये हमारा वी हो गया, ये गामा हो गया बाय डी टाओ, यही हमारी वैल्यू थी। और इसने कहा है क्लासिकल सिस्टम में एच नोट क्यूब को हम अप्रोच ज़ीरो ही ले लेंगे, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में हम इसको एच क्यूब ही रखेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि डिवीज़न ऑफ द फेस स्पेस इनटू कंपार्टमेंट, अब जो हमारा फेस स्पेस है उनको हम पहले कंपार्टमेंट या फिर शेल
उनमें हम डिवाइड करेंगे फेस स्पेस को, ठीक है। वी हैव इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ द फेस स्पेस। कंसाइड फेस स्पेस को सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे कंपार्टमेंट्स में, वेरियस इंटरवल ऑफ द मोमेंटम, अलग अलग उनके मोमेंटम के इंटरवल्स में और पोजीशंस में, ठीक है। जैसे पी एक्स से पी एक्स प्लस डी पी एक्स, पी वाई से पी वाई प्लस डी पी वाई, पी जेड से पी जेड प्लस डी पी जेड, ऐसे हम पोजीशन का लेंगे। एक्स से एक्स प्लस डी एक्स, ये तो भी पढ़ा हमने। तो ऐसे हम इसको क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं स्मॉल स्मॉल कंपार्टमेंट्स में। देन ईच ऑफ द कंपार्टमेंट शुड कंसिस्ट ऑफ द वेरी लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्री शेल। अब जो है, हमने मान लो ये फेस स्पेस है, इसको हमने बहुत सारे कंपार्टमेंट में ऐसे डिवाइड कर दिया। ये एक कंपार्टमेंट हो गया, ये एक कंपार्टमेंट हो गया, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर डिवाइड कर दिया हमने। अब इसने क्या कहा है कि हर एक कंपार्टमेंट वुड कंसिस्ट, एक कंपार्टमेंट बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्री शेल्स को कंटेन करता है। यानी हम अब ऐसे वर्टिकल लाइन खींच दें, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले कंपार्टमेंट में बहुत सारे हमारे क्या आ गए, शेल्स आ गए। इसको इन्हें शेल्स का नाम दिया है, ठीक है। तो हमारे इसने ऐसे ही कहा है, कंपार्टमेंट हमारा क्या कंसिस्ट करता है, लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्री शेल्स, ठीक है। लेट दिस कंपार्टमेंट बी नंबर्ड एज, हमने मान लिया कि कंपार्टमेंट को हम नंबर दे देंगे 1, 2, 3 अप टू के तक, और लेट और एलिमेंट्री शेल को हम देंगे G1, G2 अप टू GK तक, ठीक है। ये हमने नेम दे दिया इसको। लेट द नंबर ऑफ द पार्टिकल इन ईच शेल, हर शेल में हमारे पार्टिकल्स हमने बताए हैं कि N1 से NK तक हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टिकल इन डिफरेंट कंपार्टमेंट देन रिप्रेजेंट अ मैक्रोस्टेट ऑफ द डायनेमिक सिस्टम, रिप्रेजेंट अ मैक्रोस्टेट। यह हमने पार्टिकल की डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है इन डिफरेंट अलग अलग कंपार्टमेंट में, देन रिप्रेजेंट ये क्या बताती है, मैक्रोस्टेट बताती है डायनेमिक सिस्टम में। देखो इन द डायनेमिक सिस्टम सच अ गैस कंसिस्ट ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर। हमें पता है डायनेमिक सिस्टम में मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, है ना। तो हमने गैस का एग्जांपल ले लिया कि हमारे मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, कंटेनर में हैं, पार्टिकल मूव कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं वॉल के साथ भी और एक दूसरे के साथ भी। मोशन एंड कोलिजन ऑफ द पार्टिकल कंटिन्यूसली चेंजिंग देयर पोजिशन एंड मोमेंटम। अब जो वो मोशन या फिर कोलिजन हो रहा है, वो उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा चेंज हो रही है, पोजीशन भी हो रही है चेंज, मोमेंटम भी पार्टिकल्स का, क्योंकि वो मूव करेंगे तो पोजीशन तो चेंज होगी ही, साथ में मोमेंटम भी चेंज हो रहा है। द सिस्टम गोज़ फ्रॉम वन माइक्रोस्टेट टू अनदर, यानी अब हमारे सिस्टम जो है एक माइक्रोस्टेट से दूसरे माइक्रोस्टेट में जा रहा है, एट द रेट बिलियन ऑफ टाइम पर सेकेंड, फाइनल रिक्वायर इक्विलिब्रियम। देन हम क्या करेंगे कि ना, जब ऐसे वन माइक्रोस्टेट से अनदर ऐसे ही जाता रहेगा, और तब तक जाता रहेगा जब तक हम इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाते। इन इक्विलिब्रियम द सिस्टम प्रैक्टिकली स्पेंड मैक्सिमम टाइम इन द मोस्ट प्रोबेबल माइक्रोस्टेट और इन अ माइक्रोस्टेट विच आर वेरी क्लोज टू द इंड माइक्रोस्टेट। तो यही है। आगे देखो ऑक्यूपेशन इंडेक्स। ऑक्यूपेशन इंडेक्स क्या होता है, द नंबर ऑफ द पार्टिकल पर यूनिट सेल, यानी जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं एक यूनिट सेल में, नंबर ऑफ द पार्टिकल, जैसे अभी हमने बताया था N1 से NK तक, तो वो हमने क्या बताया था कि हमारे पार्टिकल्स हैं एक सेल में, तो वो हमारे क्या होगा, ऑक्यूपेशन इंडेक्स। तो वो हम कैसे बताएंगे ऑक्यूपेशन इंडेक्स को, नंबर ऑफ द पार्टिकल पर यूनिट सेल, ठीक है, नंबर ऑफ द पार्टिकल पर यूनिट सेल, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम ये बता रहे हैं। अभी देखो नेक्स्ट क्या है, द नंबर ऑफ द फेस स्पेस शेल इन द मोमेंटम इंटरवल। अब हम बताएंगे कि ना हमारे फेस स्पेस जो हैं, तो अब हम बता रहे हैं नंबर ऑफ द फेस स्पेस शेल इन द मोमेंटम इंटरवल पी से पी प्लस डी पी, यानी हम फेस स्पेस सेल है उसके नंबर बताएंगे, कितने नंबर हैं इस मोमेंटम इंटरवल में, कितने नंबर हमारे फेस स्पेस सेल हैं।
तो देखो, लेट अस कंसीडर द गिवन मोमेंटम इंटरवल। हमने मान लिया कि हमारा मोमेंटम इंटरवल ये है, ठीक है, ये तो दे ही रखा है। वैन अ फेस स्पेस इज डिवाइडेड, सबसे पहले हम उसको कंपार्टमेंट में डिवाइड करेंगे, फिर हम उनको क्या करेंगे, इसने कहा इस मोमेंटम रेंज में, ठीक है, विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ अवेलेबल वॉल्यूम इन मोमेंटम इंटरवल पी एंड पी से पी प्लस डी पी वॉल्यूम ऑफ ईच फेज स्पेस शेल। क्या कहा इसने, द नंबर ऑफ द फेज स्पेस शेल इन मोमेंटम रेंज, यानी जितने भी हमारे फेज स्पेस होंगे इस मोमेंटम रेंज में वो किसके इक्वल होंगे, वॉल्यूम ऑफ द मोमेंटम इंटरवल यानी इसके वॉल्यूम के, और वॉल्यूम ऑफ ईच शेल यानी जो हमारा वॉल्यूम है इस रेंज में और हर एक के, तो वो हमारे इसके रेशो के बराबर होए। लेट द नंबर ऑफ द फेज स्पेस शेल पर यूनिट मोमेंटम, लेट द नंबर ऑफ द फेज स्पेस शेल पर यूनिट मोमेंटम इंटरवल बी जी पी। हमने मान लिया कि नंबर ऑफ द फेज स्पेस शेल हर एक मोमेंटम में हमारे कितने जी पी है, देन द मोमेंटम, देन द नंबर ऑफ द शेल इन मोमेंटम इंटरवल, तब हमने माना है कि नंबर ऑफ द शेल जो है इस इंटरवल में कितने हैं, जी पी डी पी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द फेज स्पेस। अभी बताया हमने वॉल्यूम जो इस इंटरवल में, वॉल्यूम जो हर एक फेज स्पेस शेल के बीच में, तो ये हमने मान लिया जी पी डी पी, ये हमारा ईच फेज स्पेस शेल हमें पता है, हम ऐसे निकालते हैं डी एक्स डी वाई डी जेड डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड, तो उसको हम एच नोट क्यूब लिख देंगे। तो जी पी डी पी क्या होगा, इंटीग्रेशन वॉल्यूम निकाल रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डी वाई डी जेड डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड, तो ये आ गया। इनको अलग अलग ले लिया, तीन इंटीग्रेशन इसके साथ, तीन इंटीग्रेशन इसके साथ, तो इसको हमने बता दिया वी, इसको हम बता देंगे गामा। द एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इन मोमेंटम इंटरवल, ये हमें बताता है कि हमारा मोमेंटम कहाँ से कहाँ तक है, पी से पी प्लस डी पी तक। मोमेंटम स्पेस एक्स वाई जेड आर रिप्लेस्ड बाय, अब हम मोमेंटम स्पेस के कोऑर्डिनेट को हमने क्या किया, एक्स वाई जेड को इससे रिप्लेस कर रखा है। इफ़ वी ड्रॉ द स्फीयर विद ओ, अगर हम एक स्फीयर ड्रॉ करें ओ से जिसकी रेडियस पी है, देन ऑल द पॉइंट लाइंग ऑन द स्फीयर विल बी, तब हम देखेंगे कि इस पे जितने भी पॉइंट होंगे वह हमारे किस टाइप के होंगे, ये होगा, है ना, हमें पता है स्फीयर की इक्वेशन ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और वो इक्वल टू ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट, है ना। सिमिलरली इफ़ वी ड्रॉ द अनदर स्फीयर, ऐसे ही करके हम ओ से अलग स्फीयर ड्रॉ करें जिसकी रेडियस क्या है, पी से पी प्लस डी पी, ठीक है, तो उसकी हम क्या बता रहे हैं, अब द पॉइंट लाइंग ऑन द स्फीयर विल हैव मोमेंटम, जिसकी मोमेंटम ये होगी वॉल्यूम बिटवीन द मोमेंटम, जो वॉल्यूम होएगा हमारा इसके इस मोमेंटम के बीच में वो किसके इक्वल होएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल इनक्लोज्ड बिटवीन द टू स्फीयर यानी इसके इक्वल होएगा, जो ये खाली बचा हुआ है इसके, इंटू में थिकनेस ऑफ द शेल, तो हमें पता है ये होता है वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल, है ना, फोर पाई पी स्केयर डी पी यानी फोर पाई आर स्केयर, है ना, ये नहीं होता है फोर पाई आर स्केयर, और रेडियस हमारी कितनी है, पी है, तो पी स्केयर हो गया इंटू में डी पी, थिकनेस इसकी कितनी थी डी पी, है ना, तो इसने क्या क्या कहा है, पहले वॉल्यूम लो स्फेरिकल शेल का इंटू में थिकनेस लो, तो वो हमारा क्या आएगा, वॉल्यूम आ जाएगा इस इंटरवल के बीच में, ठीक है, हमने पहले वॉल्यूम लिखा फिर थिकनेस इतनी थी, तो हमारी ये आ गया वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम जो हमारा इस इंटरवल में था इक्वल टू फोर पाई पी स्क्वायर डी पी, तो जी पी डी पी यहाँ से देखो हमने इसकी वैल्यू निकाल ली अब, है ना, इसकी वैल्यू अब हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक है ये, और ये हमें पता है वी है, तो यहाँ पे हमने वी रख दिया और इसकी वैल्यू ये रख दी, नीचे एच नोट क्यूब था, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये हमने क्या बता दिया, नंबर ऑफ द फेज स्पेस शेल इन मोमेंटम इंटरवल पी से पी प्लस डी पी। कल हाँ नेक्स्ट वीडियो में हम थ्री काइंड ऑफ स्टेटिस्टिक और उसके कुछ आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। थैंक फॉर वॉचिंग।